नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम देखेंगे ऑरेंज स्पून हिंदी चैनल में डेसिकेटेड कोकोनट कैसे घर पे रेडी करना है। बहुत आसानी से ये बन सकता है, ये बहुत इजी है। आज हम देखेंगे वो डेसिकेटेड कोकोनट के लिए मैंने एक नारियल ले लिया। नारियल काटने के पहले अच्छा पानी में साफ करना है, गीला करने के वजह से इसे अलग करके ये आसानी से आ जाएगा। इसे पूरा अलग करके इसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अभी नारियल को कैसे काटना है, नारियल को ऐसे देखो, ऐसे लाइन हो जाएगा, तीन जगह में ऐसे लाइंस हो जाएगा, वो लाइन में काटना है। वो लाइन में काटने के वजह से वो नारियल जल्दी टूट जाएगा, तो पीस अच्छा अलग अलग आ जाएगा। देखो आज मैंने वो लाइंस में मैंने काट रहा हूँ। अभी नारियल का पानी है ना, नारियल काटने के बाद अंदर कैसे है, अच्छा है खराब है, आप चेक करने के बाद आप पानी पीना है, पहले मत पियो। देखो आज हमारा नारियल बहुत अच्छा है, मोटा भी है, हमारा नारियल पतला मलाई नहीं है, अच्छा मोटा वाला चाहिए हमको। ऐसे मैंने नारियल को ऐसे एक चाकू है, नारियल वाला चाकू, ये भी आप यूज़ कर सकता है, नहीं तो आपके पास वो नहीं है, ये नॉर्मल वाला है ना, किचन वाला चाकू है ना, उसमें भी आप अलग कर सकता है। ऐसे अलग करने के बाद हमको पीछे वाला है ना छिलका, वो नहीं चाहिए, उसका अलग करना है। देखो ऐसे अलग करके हमको ऐसे सफ़ेद वाला पार्ट ओनली चाहिए, नहीं तो आप ये वाला पत्थर है ना, लहसुन अदरक वाला पत्थर, वो कूटने वाला पत्थर, उसमें भी ऐसे मार सकता है। मैंने वो पत्थर से पूरा मार लिया एक नारियल को, इसमें भी ऐसे बड़ा बड़ा पीसेस आ जाएगा। इसे भी छिलका निकाल के ऐसे सफ़ेद पीसेस हमको चाहिए। इसे पूरा एक नारियल को पीछे छिलका निकाल के छोटा छोटा पीस ऐसे काटना है। हम मिक्सी में डालने के वजह से हमको छोटा पीसेस चाहिए। देखो मैंने इतना छोटा काट के रखा हूँ, अभी इसे मिक्सी में डालना है। मिक्सी में आप छोटा जार में आप यूज़ कीजिए, बड़ा जार में यूज़ करने के वजह से नीचे वाला जल्दी पीस जाएगा और ऊपर वाला नहीं पीसेगा, इसलिए आप छोटा वाला यूज़ करके दो से तीन बार आप इसका पूरा पीसना है। पानी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ नारियल को पीसना है। अभी तक हमारा ऑरेंज स्पून हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मैंने एक नारियल को कुछ भी बिना पानी का ऐसे पीस के लेके आया। हमको इसे ज़्यादा मोटा वाला हमको बर्तन चाहिए, टिक वाला कढ़ाई ले लीजिए, वो कढ़ाई में डालना है। अभी देखो कितना गीला है हमारा नारियल, आप देख सकता है कितना नारियल है कि गीला है हमारा नारियल। अभी इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम में अच्छा ऐसे फ्राई करना है। देखो 10-15 मिनट के बाद हमारा नारियल कैसे हो गया, पहले कितना गीला है ना, अभी देखो कैसे आ गया। इसलिए अच्छा मोटा वाला थिक वाला कढ़ाई ले लीजिए, गैस भी लो फ्लेम में रखना है 15 मिनट के लिए। अभी हमारा दुकान स्टाइल डेसिकेटेड कोकोनट रेडी हो गया, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।